गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई रोहित राज बिहाफ ऑफ द अचीवमेंट पब्लिक स्कूल इज हेयर टू टेक दिस क्लास ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट विच इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस ऑफ क्लास 8. सो लेट्स बिगिन. क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हाइल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड. द मेजर फूड सच एज सीरियल्स, पल्सेज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा आर ऑल प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स व्हाइल मिल्क, एग्स एंड मीट आर ऑब्टेंड फ्रॉम एनिमल्स. इस पैराग्राफ का मतलब ये हुआ कि प्लांट्स किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं अपने फूड के लिए. उनका अपना एक प्रोसेस है जिन्हें हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. उस प्रोसेस से वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं. लेकिन एनिमल्स जो होते हैं हम डिपेंड प्लांट्स पर रहते हैं. क्यों? क्योंकि हम अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते हैं. उसके बाद प्लांट्स से हमें क्या क्या मिलता है, एनिमल्स से हमें क्या क्या मिलता है. प्लांट्स से मेजर फूड जैसे हमें सीरियल्स मिलता है, पल्सेस मिलता है, वेजिटेबल्स मिलता है, फ्रूट्स मिलता है, जो हमारे डेली डाइट में रहता है. लेकिन वहीं अगर एनिमल्स की बात की जाए तो उनसे हमें दूध, अंडे, मीट एक्सेट्रा ये सब मिलता है. इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन प्राइमरली एन एग्रीकल्चर कंट्री. एग्रीकल्चर वॉज नोन टू द पीपल थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो. इंडिया मेजरली क्या है, एक एग्रीकल्चर कंट्री है जो आज से नहीं है, काफ़ी हज़ारों सालों से है. यहाँ पे मेजरली एग्रीकल्चर को ही प्रैक्टिस किया जाता है. हमारे एग्रीकल्चर हमारे रूट्स में है. प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड रेजिंग एनिमल्स फॉर फूड, फाइबर एंड अदर प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. हाँ, एग्रीकल्चर क्या है, अगर आपके एग्जाम में वन मार्क डेफिनेशन आ जाता है कि व्हाट इज एग्रीकल्चर, तो आप ये वाला डेफिनेशन अच्छे से पढ़ जाओ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड रेजिंग एनिमल्स फॉर फूड, फाइबर एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. ठीक है, ये वाला लाइन आप एकदम श्योर लिख लो, वन मार्क तो आपको देना ही देना है. एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर दो वर्ड से मिलके बना है. पहला वर्ड है एग्री, जिसका मतलब होता है फील्ड. क्योंकि एग्रीकल्चर कहाँ प्रैक्टिस करोगे आप, छत पे तो प्रैक्टिस कर नहीं सकते हो, तो एक फील्ड चाहिए, लैंड चाहिए, वहाँ पे आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करो. इसका मतलब क्या है, आप क्रॉप्स कहाँ उगाइएगा. एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का मतलब ही आपने जैसे पढ़ा अभी ग्रोइंग प्लांट्स, तो वहाँ कहाँ पे आप करिएगा, तो एक फील्ड उसके लिए नेसेसरी है. इसलिए मिला ही है दो वर्ड से, एग्री मतलब फील्ड, कल्चर मतलब कल्टीवेशन. मतलब फील्ड पे कल्टीवेशन के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं. ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं. सेकेंड पेज, कॉमन क्रॉप प्लांट्स ग्रोन एंड कंज्यूम्ड इन इंडिया आर गिवन इन द टेबल गिवन बिलो. इसका मतलब क्या हुआ, जो भी हमारे यहाँ कॉमनली प्लांट्स हैं जो कंज्यूम किए जाते हैं वो यहाँ दिया हुआ है. अब वो क्या क्या है, ये लिस्ट भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लाना. ठीक है, ये वाला लिस्ट देखिए, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स और उसका एग्जाम्पल्स. ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, इसको पढ़ लेना. देख लो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स क्या है, सीरियल और ग्रेन क्रॉप्स. इसके एग्जाम्पल भी देख लो, दिया हुआ है राइस, व्हीट, बार्ले. इसमें से आपका देख लो दो ठो पक्का आएगा, ये पॉइंट आप नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये दो ठो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये आठों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे एक ना एक तो एग्जाम में आने का पूरा चांसेस रहता ही है कि ये क्रॉप्स दिया जाएगा कि इस ग्रेन का नाम बताइए, सीरियल और ग्रेन क्रॉप्स और एग्जाम्पल क्या है. कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सीरियल ही रहे, फाइबर भी हो सकता है, पल्सेस हो सकता है, ऑयल सीड्स हो सकता है, रूट एक्सेट्रा, प्लांटेशन कुछ भी हो सकता है. आप इसमें से याद करके रखिएगा, आप ही को फायदा देगा एग्जाम में. अब क्रॉप सीजन के बारे में पढ़ना है. सारे क्रॉप्स को एक सीजन में हम नहीं उगा सकते हैं, सारे क्रॉप्स को एक कैटेगरी में बांट दिया गया है, जिसमें आप पढ़ेंगे अभी खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप. खरीफ क्रॉप क्या होता है, दोनों में एक सिंपल सा डेफिनेशन है, एक याद कर लो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक उसका अपोजिट है. खरीफ क्रॉप में क्या होता है, ऐसे क्रॉप जो हम जून में लगाते हैं और अक्टूबर में हार्वेस्ट करते हैं. हार्वेस्टेड मतलब क्या होता है, हार्वेस्ट मतलब क्या होता है, हार्वेस्ट मतलब बहुत लोग खेती समझ लेता है, हार्वेस्ट मतलब उनको काट लेना, उनको काटा कब जाता है. ठीक है, तो जून में जो क्रॉप्स को लगाएं और हार्वेस्ट कर लें उसको अक्टूबर में, उसको खरीफ क्रॉप कहते हैं. ठीक है, एग्जांपल देख लो उसका, खरीफ क्रॉप का एग्जांपल है पैडी है, राइस, मेज, कॉटन, शुगर केन एक्सेट्रा. ठीक, इसका अपोजिट रबी क्रॉप हो जाएगा. उसमें हमने क्या किया, ठंड में हमने उसे हार्वेस्ट किया, तो इसमें क्या करेंगे, ठंड में इसे लगाएंगे. तो देख लो, क्रॉप्स प्लांटेड इन नवंबर, जो क्रॉप्स को नवंबर में प्लांट करेंगे और हार्वेस्ट कब करेंगे, अप्रैल में करेंगे. ठीक है, उसका अपोजिट हो गया, इसको क्या कहते हैं, रबी क्रॉप कहते हैं. इसका एग्जांपल हो गया वीट, बार्ले, पी, मस्टर्ड एक्सेट्रा. ठीक है, अब खरीफ क्रॉप को कुछ फोटो दिया हुआ, जैसे देखो ये वीट बार्ले का फोटो दे दिया है, यहाँ पे रबी क्रॉप्स का फोटो दे दिया है. अब क्या है, क्रॉप्स ग्रोन बिटवीन मार्च एंड जून, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. ठीक है, इसको एकदम टिक कर लो बढ़िया से, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. देखो कोई कभी भी एग्जाम में आ सकता है, पूरा दुनिया जानता है खरीफ क्रॉप क्या होता है, रबी क्रॉप क्या होता है, लेकिन अगर तुमसे पूछ दें कि जेड क्रॉप्स क्या होता है, जेड ए आई डी, जेड क्रॉप्स बताओ क्या होता है, 90% लोग फेल हो जाएगा जेड क्रॉप्स बताने में. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद कर लेना. जेड क्रॉप्स होता है जो मार्च और जून के बीच ग्रो किया जाता है. ठीक है, उसका एग्जाम्पल हो गया वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, गार्ड्स एक्सेट्रा.
ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बार बार कह रहा हूँ उसको याद कर ला, इससे एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है चलो ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको हटा दिया जाए। एग्रीकल्चर टूल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर टूल्स मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर आप अपने हाथ से नहीं कर सकते, उनके लिए कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है जिनसे हम एग्रीकल्चर करते हैं। अब इसमें भी जो इक्विपमेंट्स होंगे ये दो तरह के होंगे, एक जो आप मैन पावर से यूज़ करेंगे, जैसे बताते हैं थोड़ा देर में, जैसे आपको ये सब नाम याद कर लो, प्लस सीड ड्रिल, खुरपा, हो, कल्टीवेटर, ये सब याद कर लो, इसका फ़ोटो भी दे देते हैं, अच्छे से आप लोग समझ में भी आ जाएगा। ये देखो ये है प्ला, ठीक है, ये क्या है, ये मैन पावर से नहीं होता है, ये मशीन पावर से होता है। मशीन पावर में कहाँ यूज़ होता है, ये ट्रैक्टर में यूज़ होता है। ठीक है, इसका यूज़ जो बताएंगे हम थोड़ा देर आके। ये सीड ड्रिल, नाम से ही पता चल रहा है, सीड ड्रिल, सीड ड्रिल मतलब क्या होगा, सीड को ड्रिल करके लैंड में लगाना, ड्रिलिंग हाथ से नहीं की जाती है, सिंपल, ये भी ट्रैक्टर से। खुरपा, दिस इज़ मैन पावर, ये हम लोग हाथ से यूज़ करते हैं। हो, ये भी मैन पावर है। कल्टीवेटर, मशीन पावर, ट्रैक्टर, मेनली जो भी मशीन पावर होगा वो ट्रैक्टर के द्वारा ही यूज़ होगा, ये याद कर लो आप लोग। ठीक है, अब बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मेनली 8 स्टेप्स में बांट दिया गया है। ठीक है, 8 स्टेप्स में हम एग्रीकल्चर करते हैं। सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा है सीड सिलेक्शन एंड सोइंग, तीसरा है अप्लाइंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स, चौथा इरीगेशन, पाँचवा वीडिंग, सो ऑन सो ऑन, लास्ट स्टोरेज। अब एक एक करके सबको डिटेल में बताते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पहला टॉपिक था, इसका क्या मतलब होता है? कहीं भी क्रॉप्स को ग्रो करने से पहले किसी भी लैंड पे सबसे पहले उसका प्रिपरेशन ज़रूरी है। प्रिपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जब किसी भी लैंड पे खेती करने से पहले उसे तैयार करने का मतलब क्या है, उसमें अच्छे से प्लहिंग करना। अब प्लहिंग आप लोगों के लिए सबसे पहला शब्द आ गया होगा, प्लहिंग क्या होता है? प्लहिंग होता है जब हम सारे टर्निंग और लूजनिंग, मतलब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देखो यहाँ पे लाइन भी याद देख लो, बुक में आपको दिया हुआ है, 1 मार्क लाइन याद कर लो, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज डन बाय टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल, दिस प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लहिंग, और इसी का नाम है टेलिंग। ठीक है, इससे क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में मेनली यही करते हैं कि हम लोग जो सॉइल का न्यूट्रिएंट्स है उसका डे टू डे ग्रोथ करवाते रहते हैं। फ़ायदा क्या है, अगर आप प्रिपरेशन नहीं करो, अरे आपको कोई एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम के पहले प्रिपरेशन ही नहीं किया तो एग्ज़ाम कैसा जाएगा, ख़राब जाएगा। आपको यहाँ पे क्रॉप्स उगाने हैं और सॉइल का प्रिपरेशन ही नहीं किया तो सॉइल कैसे आएंगे, क्वांटिटी कैसा आएगा, स्केल कैसा आएगा, ख़राब आएगा। प्लाइंग का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? प्लाइंग का एडवांटेज होता है कि सबसे पहले रूट को पेनिट्रेट करने में मदद करता है, दूसरा क्या है, उसका डीप एरेशन देता है, इसका मतलब क्या है, जो हमारा रूट्स होगा उसमें भी गुड प्रोसेस ऑफ हवा में जाएगा, तीसरा इट हेल्प्स इन अप्रोटिंग द वीड्स, इसका मतलब क्या है, वो वीड्स है क्या, सबसे पहले वीड्स एक इंपॉर्टेंट बात है, ये भी आगे पढ़ाएंगे कि वीड्स क्या है। वीड्स क्या होता है, ये अनवांटेड प्लांट्स होता है, आपने देखा होगा क्रॉप आप लगाओगे गेहूं का, चावल का, उसके साथ साथ कुछ जंगली पौधा हो जाता है, उसी को वीड्स कहते हैं, साइंटिफिक टर्म में इसी को वीड्स कहते हैं। ठीक है, उसके बारे में बता देते हैं, लेकिन ये जो प्लहिंग वाला है ना, यही इसमें भी हेल्प करता है वीड्स को हटाने में, क्योंकि जब आप सॉइल का प्रिपरेशन करोगे तो ऑटोमेटिकली वीड्स हट जाएंगे। दूसरा, प्लहिंग का एक एडवांटेज होता है, हमारे जो सॉइल होता है उसके न्यूट्रिएंट्स को बहुत देर तक होल्ड करके, होल्ड करने का पावर बढ़ा देता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते किससे हैं, तो मशीन का नाम प्ला है, आपको पहले ही बता दिया, हो पहले ही बता दिया, कल्टीवेटर पहले ही बता दिया, कहाँ बताए थे याद तो होगा नहीं, यहाँ देखो ये वाला जो फोटो बताया था, प्ला, हो, कल्टीवेटर था ना, ये तीनों मार्क कर लो पॉइंट्स को, ये किस में हेल्प करता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में कौन कौन सा हेल्प करता है, इसमें से ये वाला फर्स्ट, ये वाला सेकंड और ये वाला थर्ड, ये तीनों का तीनों प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में काम आता है। ठीक है, इसको याद कर लो बढ़िया से। अब तो इधर कुछ बचा नहीं, लेवलिंग एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, लेवलिंग। लेवलिंग क्या होता है, देखो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल तो आपने कर लिया, लेकिन अगर आपने लैंड को लेवल नहीं किया तो बहुत बड़ा उसको डिसएडवांटेज से आपको झेलना पड़ जाएगा। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होगा ना, कि जिस साइड में आपका सॉइल डीपर होगा वहाँ पानी ज़्यादा लग जाएगा, जहाँ पे आपका ऊपर होगा लैंड वहाँ पे तो पानी जाएगा ही नहीं, तो आपका क्रॉप्स इससे बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, और जिस स्केल में आप प्रोडक्शन चाह रहे होगे उस स्केल में प्रोडक्शन आएगा नहीं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट लाइन था जो हमने बता दिया। आगे देखते हैं आगे क्या क्या है। सेलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स, अब ये क्या होता है, सोइंग ऑफ सीड्स मतलब क्या होता है, सोइंग क्या होता है, सोइंग एक प्रोसेस होता है जिस तरह से हम सीड सॉइल में लगाते हैं। अगर बुक में देखो तो बुक में भी वन लाइन आंसर आपका देगा ही देगा, देख लेता हूँ मैं, देखो यहाँ पे, सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीड्स इन द सॉइल। ठीक है, किस ये प्रोसेस है जिसमें से हम सीड्स को सॉइल में लगाते हैं, ठीक है, या डालते हैं, यही सोइंग है। अब सिलेक्शन क्या है, देखो आपने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बहुत बढ़िया से किया, अपने लैंड के
इन्फेक्शन नहीं होगा। इसलिए सोइंग सबसे बेस्ट होता है कि उसका पहले सोइंग करने से पहले, सीड डालने से पहले उनका सिलेक्शन किया जाए, कैसा क्वांटिटी कैसा क्वालिटी है उस सीड का वो देखा जाए, क्योंकि सीड भी एक मेजर रोल प्ले करता है आपके पूरे एग्रीकल्चर प्रोसेस में। ठीक है, ये तो आपका फर्स्ट स्टेप ही हो गया। उसके बाद फार्मर्स टुडे आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट गुड क्वालिटी ऑफ सीड इज़ मट फॉर। हाँ, मैंने ऐसे बताया कि आजकल के जो किसान है वो भी ये जानते हैं कि एक अच्छा फसल के लिए एक अच्छा सीड भी चाहिए। ठीक है, फार्मर देयरफॉर मस्ट सेलेक्ट द सीड्स दैट आर। अब कैसे पहचानोगे कौन सा सीड आपके लिए ठीक है, कौन सा सीड खराब है, कौन सीड आपको अच्छा प्रोडक्शन देगा? देखो, हेल्दी क्लीन एंड फर्टाइल ऑफ गुड क्वालिटी एंड हाई यील्डिंग वैरायटी। दूसरा, फ्री फ्रॉम एनी इन्फेक्शन। तीसरा, फ्री फ्रॉम एनी डिजीज। आगे बढ़ते हैं, सम सीड्स आर शोन बाई हैंड एंड बाई मशीन। हाँ ठीक है, ये तो पता है मुझे। सीड्स हाथ से भी आप चाहें तो सो कर सकते हैं या मशीन से भी। तो मशीन से अगर आपको यूज़ करना होगा तो उसके लिए एक मशीन आता है जिसका नाम है सीड ड्रिल, जो ट्रैक्टर में यूज़ होता है। ठीक है, उसमें आप ट्रैक्टर में लगाओ और डायरेक्ट एक यूनिफॉर्म तरीके से आप अपना पूरा सीड लैंड में लगा सकते हैं। दूसरा है मैन पावर चलने वाला। इसमें क्या करते हैं, हम यूनिफॉर्मली किसी भी डायरेक्शन में सीड्स को स्कैटर करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। वन मार्क क्वेश्चन आप लिख लो यहाँ से, व्हाट इज़ ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है बताइए, ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है कॉपी में लिख लीजिए, व्हाट इज ब्रॉडकास्टिंग, और इसका आंसर नीचे लिख लीजिए। सीड्स आर स्कैटर्ड बाय हैंड ऑन द सॉइल, दिस प्रोसेस कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, हाथों से सीड को डालना लैंड में को ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। सिंपल, आगे बढ़े। अप्लाइंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये भी बहुत मेजर स्टेप है आपका। अप्लाइंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, क्या होता है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, एक बेसिक डिफरेंस जान लो। मैन्योर्स काम दोनों का एक ही है, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस है कि मैन्योर जो होता है वो नेचुरल होता है, फर्टिलाइजर मैनमेड होता है, याद रखना। अब दोनों का मतलब काम, मैन्योर्स क्या होता है, मैन्योर्स एक नेचुरल कंपाउंड होता है जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से बनता है, जिससे हम सॉइल का फर्टिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, मैन्योर्स के बारे में याद दे भी दिया, इट इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस विच इज़ ऑब्टेंड बाय डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट, प्लांट रेसिड्यू एसेट्रा। ठीक है, आगे पढ़ो। फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर क्या होता है, मैन मेड केमिकल कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट से भरा हुआ रहता है। मेनली उसमें क्या क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, पोटाशियम होता है, फॉस्फोरस होता है, इन्हीं को शॉर्ट में एनपीके फर्टिलाइज़र कहते हैं। आप दुनिया का कोई फर्टिलाइज़र ले लो, उसमें इन तीन में से किसी ना एक एलिमेंट का तो होना नेसेसरी है ही है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत रैपिडली हमारे सॉइल का फर्टिलिटी इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, अब डायरेक्ट आप बोलोगे कि नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र दे दो, तो डायरेक्ट नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र आपको नहीं मिलता है। नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन भी एक एलिमेंटल फॉर्म में होता है, जैसे पोटाशियम का एलिमेंटल फॉर्म क्या है, पोटाश है। फॉस्फोरस का एलिमेंटल फॉर्म क्या है, सुपर फॉस्फेट है। इस फॉर्म में वो फर्टिलाइज़र में रहता है, मेरा कहने का मतलब यही होता है। ठीक है, अब फर्टिलाइज़र डालने से क्या होता है, फर्टिलाइज़र डालने से हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ता है, हमारी ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ती है। अगर मैं आपसे अब पूछूं कि दोनों का काम एक ही है, दोनों का काम है फर्टिलिटी इंक्रीज़ करना, तो पहले क्या लगाओगे, पहले क्या यूज़ करोगे? अगर दो चीज़ सामने रख दिया जाए मैन्योर और फर्टिलाइज़र में, तो पहले कौन सा यूज़ करना चाहिए? अगर एनी वन ऑफ द ऑप्शन दे दिया जाए कि आपको या तो मैन्योर यूज़ करना है या तो फर्टिलाइज़र, तो कौन सा यूज़ करना चाहिए? इसका भी आंसर इस किताब में है। ऐसे मैं इस किताब का पूरा पूरा एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिससे आपको पूरा किताब ही मिल जाएगा। आप एक इस चैप्टर को ढंग से पढ़ लेना, जहाँ भी कोई हार्ड वर्ड, स्मॉल वर्ड, कोई भी प्रो वर्ड आ जाए जो आपको नहीं समझ में आए, या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए, तो उसका आप जो भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ लेना, आपका रिप्लाई ज़रूर जाएगा। और जिसका भी सबसे वैलिड क्वेश्चन रहेगा, सबसे अच्छा क्वेश्चन रहेगा, उसका कल मेरे नेक्स्ट वीडियो में, कल परसों जब भी आए मेरे नेक्स्ट वीडियो में, उसका सबसे पहले मैं नाम लूँगा। ठीक है, हाँ, मेरा आंसर, मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन था फर्टिलाइज़र और मैन्योर्स में कौन सा ज़्यादा एडवांटेज रखेगा आपके सॉइल में। इसका आंसर है फर्टिलाइज़र। क्यों? फर्टिलाइज़र क्या है ना, मैन्योर्स भी काम करेगा, आपका फर्टिलिटी इंक्रीज कर लेगा, पर एज़ कम्पेयर टू मैन फर्टिलाइज़र उसका रेट कम होगा, दर कम होगा, कम रेट से फर्टिलिटी इंक्रीज करता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फर्टिलाइज़र आपका आधा घंटे में फर्टिलिटी इंक्रीज कर देगा, तो मैन्योर्स को दो घंटा लग जाएगा। बात बराबर है, फर्टिलिटी दोनों इंक्रीज करता है, लेकिन फर्टिलाइजर को कम टाइम लगता है। ठीक है, यहाँ देख लो, एडिंग फर्टिलाइजर इज द इजीएस्ट वे ऑफ प्रोवाइडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स प्लांट्स विद देयर मिनरल्स एज दे डिसॉल्व वेरी क्विकली व्हेन एड कंपेयर टू मैन्योर। ठीक है, मैं यही कह रहा था, सो दे एक्ट मोर क्विकली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
एकदम गारंटी ले लो एग्ज़ाम में आना ही है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा एकदम। VVI कर लो इसको, ये एकदम मेरे तरफ से ये VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आएगा ही आएगा एग्ज़ाम में, इसको लिख के ले लो। ये एग्ज़ाम में नहीं आया तो मेरा नाम चेंज कर लेना। डिफरेंस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र आना ही आना है, या तो 3 मार्क में आएगा या तो 5 मार्क में, 1 और 2 मार्क में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तब तक डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ऐसे मैंने बताया दिया आपको कि ये क्या होता है, नेचुरल सब्सटेंस होता है। मेन डिफरेंस तो आपको ये रटी लो, ये आपका नेचुरल सब्सटेंस होता है और ये क्या होता है, ये आपका इनऑर्गेनिक या मैन मेड, ठीक है, इनऑर्गेनिक या मैन मेड होता है, ओके। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, और मैन्योर्स हो गया, फर्टिलाइज़र भी हो गया। अब देखिए, ये तो आपका नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड था जिससे आप लोग देख रहे थे कि हाँ ऐसे हम फर्टिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। अगर मैं पूछूं कि बिना मैन्योर और बिना फर्टिलाइज़र यूज़ किए भी हम अपने सॉइल का फर्टिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये बता सकता है कैसे? इस किताब में उसका भी आंसर दिया हुआ है, दो टाइप है। सबसे पहले लीविंग द फील्ड फैलो, सॉइल में ना एक बहुत अच्छा फीचर है, एक बहुत अच्छा टैलेंटेड है उसमें भी, क्या है, अगर आप किसी ज़मीन को खाली छोड़ दो ना, वो अपना फर्टिलिटी खुद ही रीगेन कर सकता है, रीजनरेट कर सकता है, जितना भी न्यूट्रिएंट्स उसका ख़त्म हो चुका है वो वापस से उसको रीजनरेट कर सकता है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है क्रॉप रोटेशन करना, ये आज ये तो अब बहुत ट्रेडिशन में आ चुका है क्रॉप रोटेशन, और लगभग 90-95% फार्मर इसको यूज़ भी करते हैं। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, एक बहुत मेजर कारण है आपका सॉइल का फर्टिलिटी ख़त्म होने का, कि आप एक ही तरह की क्रॉप्स को बार 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 कंटिन्यूस आप अपने लैंड में उगाओ। उससे क्या होता है, देखिए लैंड में सिर्फ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम यही सब नहीं पाया जाता है, लैंड तो एक पूरा मिनरल्स का एक पूरा भंडार हो गया, वहाँ बहुत मिनरल आता है। अब एग्जांपल दे रहा हूँ, राइस है, राइस आपका नाइट्रोजन गेन करता है, एग्जांपल है, समझ लो राइस अगर नाइट्रोजन गेन करता है, बार बार आप राइस लगाओ, बार बार राइस लगाओ, तो नाइट्रोजन तो उसका कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, तो फिर तो उसका कभी आपका राइस वहाँ उगेगा ही नहीं। और एक मिनरल्स ख़त्म होने के कारण क्या होगा, धीरे धीरे सारा मिनरल स्वयं ख़त्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। इसलिए क्या करो, क्रॉप रोटेशन करो। अगर आप एक मशीन को यूज़ करते हो, वो मशीन अगर कंटिन्यूस यूज़ करते हो तो ख़राब हो जाएगा, लेकिन अगर रुक रुक के टाइम टू टाइम एक पीरियोडिक टाइम पे उसको यूज़ करोगे तो लंबा टिकेगा। वही कहता है क्रॉप रोटेशन कि आप टाइम टू टाइम पीरियोडिकली बनाओ, जैसे आपने अगर इस साल किया तो आप इस साल छोड़ो, अगले साल छोड़ो, फिर उसे अगले साल करना, मतलब पीरियोडिकली, आज एक साल छोड़ा है तो फिर एक साल छोड़ कर उसको होगा, यही है क्रॉप रोटेशन, ठीक है। अब इरीगेशन था आपका उसके बाद का टॉपिक, इरीगेशन क्या होता है, इरीगेशन सिंपली समझ लो, वन लाइन के आंसर, इरीगेशन अपने लैंड में पानी देना, इसी को इरीगेशन कहते हैं। सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर, अब वाटर प्रोवाइड करने को ही हम लोग इरीगेशन कहते हैं, ठीक है। अब उसका दो मेथड है, नेचुरल और मैनमेड। नेचुरल मेथड क्या है, नेचुरल मेथड हो गया या तो आप रेन करो, तो वो हमारे हाथ में तो है नहीं, वो तो नेचुरली, अगर रेन होता है तो बहुत अच्छा, रेन नहीं होता है तो प्रॉब्लम। अब रेन अगर किसी टाइम नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, रेन अगर नहीं होता है तो भी हमारे पास दो टाइप का इरीगेशन मेथड बचता है, एक तो मॉडर्न है, एक ट्रेडिशनल है। तो ट्रेडिशनल क्या था, ट्रेडिशनल जितने भी थे मैक्सिममली मैन पावर पे ही चलते थे। सबसे पहला ये मोड पुली सिस्टम, ये मोड पुली सिस्टम क्या कहता है आप ही बताइए। मोड पुली सिस्टम कहता है कि कुएं से पानी निकालो और बार बार उसको अपने लैंड में डालो, इससे आप कितना करते हैं, ये आपका पहला है। दूसरा क्या है, चेन पंप, ये भी आपका मैन पावर चलता है, जब तक आप इसको कंटिन्यूस राउंड रोटेट करते रहोगे पानी ग्राउंड से जाते रहेगा, जहाँ आपने छोड़ा ये भी रुक जाएगा। एग्जांपल यही है, ये सारा का सारा क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है, और ये इतना एफिशिएंट भी नहीं था जितना आपका मॉडर्न मेथड एफिशिएंट है, इसलिए मॉडर्न मेथड इज़ वेरी बेस्ट एज़ कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल मेथड। फिर एक क्वेश्चन बन सकता है कि मॉडर्न और ट्रेडिशनल में कौन सा यूज़ करना चाहिए, तो मॉडर्न, दोनों का एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। अब मॉडर्न में क्या क्या आता है, स्प्रिंकल सिस्टम आता है, ड्रिप इरिगेशन आता है। स्प्रिंकल सिस्टम क्या होता है, स्प्रिंकल सिस्टम में हम लंबे लंबे पाइप लगाते हैं, वो यूनिफॉर्मली चारों डायरेक्शन में पानी को रोटेट करता है और ड्रॉप बाय ड्रॉप स्पीड में फ्लो में जाता है, जिसके आपका पानी पहुँच जाता है। ड्रिप सिस्टम क्या है, ड्रिप सिस्टम में हम छोटा छोटा पाइप लगाते हैं और अपने पूरे लैंड में लगाते हैं, ये फोटो दिया हुआ है देखिए, ये लैंड में, और ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिरता है, ये होता है ड्रिप इरिगेशन। ये मेनली किस में यूज़ होता है, फ्रूट प्लांट्स में यूज़ होता है,
ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, याद कर लेना, ये मेनली इसमें यूज होता है। चलिए यार इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस सिस्टम इज मोनली यूज फॉर फ्रूट प्लांट्स गार्डन्स एंड ट्रीज, ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना, ओके। अब देखो लेट्स इवेल्युएट इन विच सीजन डू रबी क्रॉप ग्रो, बताइए किस सीजन में रबी क्रॉप ग्रो करता है। गिफ्ट एकदम बहुत आसान है, पांच क्वेश्चन है मात्र, पांचों मेरे हिसाब से मात्र वन वर्ड आंसर है, फाइव क्वेश्चन फाइव टाइम्स आंसर दीजिए मेरे कमेंट में, हम देखते हैं कौन कौन सबसे पहले और सबसे जल्दी सही आंसर देता है। वीडिंग पे आते हैं, वीडिंग क्या था, अभी मैंने कुछ समय पहले वीड्स का नाम लिया था, किसी को याद है वीड्स क्या था, याद करो, 10 सेकंड टाइम देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वीड्स क्या था याद आया, वीड्स क्या था, अनवांटेड प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट्स था। और वीड्स हटाने के लिए क्या करते थे हम लोग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बताए थे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से हमारा वीड्स भी हट जाता है। चलिए ठीक है, अब वीड्स क्या होता है, आप ये जो मैंने वहाँ कहा था उसको आप लिख लो एक बार कॉपी में, वीड्स आर दी अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो नेचुरली अलॉन्ग द क्रॉप्स, यही कहा था, दे कम्पीट विथ क्रॉप्स प्लांट्स लाइट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, सम ऑफ देम आर इवन पॉइजनस एंड कॉज इन्फेक्शंस, दस दे हैव टू बी रिमूव्ड, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स इज कॉल्ड वीडिंग, दिस कैन बी डन बाई मैनुअली एंड यूजिंग केमिकल्स एंड वीडिसाइड्स। चलिए क्या क्या बताया, वीड्स क्या है, अनवांटेड प्लांट्स, सबसे पहले पॉइंट नोट कर लो, पहला पॉइंट वीड्स क्या है, अनवांटेड प्लांट्स, दूसरा क्या है, ये हमारे क्रॉप्स के साथ उग जाते हैं, तीसरा क्या है, ये पॉइजनस होते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं, चौथा क्या है, इसी का रिमूवल को वीडिंग कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स इज कॉल्ड वीडिंग, इसी को हटाने के प्रोसेस को वीडिंग कहते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्शन ऑफ वीड कैसे होगा, वीडिसाइड से होता है, वीडिसाइड का कॉमन नाम देख लो, 2,4-D 2,4-dichlorophenoxyacetic एसिड, नाम नोट करते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। टू एग्जाम्पल ऑफ वीड्स, MCPA 2-methyl-4-chloro-1-phenoxyacetic acid, तीसरा ब्यूटेक्लोर, कम से कम तीन में से दो तो याद रहना ही चाहिए, वो भी एनी टाइम याद रहना चाहिए। प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप कैसे करेंगे बताइए, वीड्स तो वीड से तो आपने बचा लिया, लेकिन अब क्या करिएगा, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स को कैसे बचाइएगा, इसमें रोडेंट्स का खतरा होता है, इंसेक्ट का खतरा होता है, पेस्ट का खतरा होता है, टर्माइट्स का खतरा होता है, ये सब आपके क्रॉप्स को बर्बाद करने के पीछे लगे रहते हैं, तो वो सबसे कैसे बचाइएगा, देखिए क्रॉप्स आर अटैक्ड बाय रोडेंट्स एंड इंसेक्ट्स व्हील्स टर्माइट्स विच ईट और डैमेज द क्रॉप्स, ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स विच कॉज डैमेज टू क्रॉप एंड मेक देम अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन आर रिफर्ड टू एज पेस्ट। पेस्ट क्या है बताइए, पेस्ट क्या है, जो भी ऑर्गेनिजम्स हमारे क्रॉप को ह्यूमन कंजप्शन यानी हमें ग्रहण करने से अनफिट बना देते हैं, मतलब हमारे ग्रहण करने लायक वो रहेगा ही नहीं, उन्हीं को क्या कहते हैं, पेस्ट कहते हैं, ठीक है। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, पेस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अप टू 30% लॉस फॉर आउटपुट इन क्रॉप प्रोडक्शन, इसका मतलब समझ में आया, अगर आपने लैंड में 100 kg वीट लगाया है, 100 kg, तो आपके आउटपुट कितना होगा, ओनली 70 kg, सोच लीजिए 30 kg आपका पेस्ट ले गया, बहुत ज़्यादा लॉस होता है, ठीक है। अब देखिए क्रॉप्स ऐसे नहीं सिर्फ पेस्ट जाएगा, बैक्टीरिया है, फंगी है, वायरस है, रस्ट है, ब्लाइट है, स्मट है, इन सब से भी तो बचाना है, जैसे पेस्ट से बचने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पेस्टिसाइड्स, ठीक है। पेस्टिसाइड्स से एग्जांपल याद कर लो, DDT, BHC, DDT क्या है, ड्राई क्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, अब ये सब स्ट्रक्चर होता है, ये कार्बन का कंपाउंड्स है, ये आप लोगों को सीनियर क्लासेस में पढ़ना है, अभी के लिए सिर्फ नाम याद कर लो, BHC क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और इसी का BHC आप इतना बड़ा नाम मत याद करो, एक छोटा सा नाम याद कर लो, गैमेक्सीन, वन वर्ड है आपको याद भी रहेगा, ठीक है, गैमेक्सीन, BHC क्या है, गैमेक्सीन, और एक है मेलाथायोन, ठीक है, ये सब क्या है, इंसेक्टिसाइड है, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इंसेक्टिसाइड का नाम याद कर लिए आप लोग, बहुत बढ़िया। अब बताइए एक सिंपल क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, इंसेक्ट को मारने के लिए आपने यूज़ किया इंसेक्टिसाइड, तो फंगी को मारने के लिए क्या यूज़ करेगा बताइए, ऑफकोर्स फंगीसाइड्स, फंगी को मारना है फंगीसाइड्स, फंगीसाइड्स एग्जांपल क्या है, सल्फर और मेनी कॉपर सॉल्ट, ठीक है, सल्फर और कॉपर सॉल्ट फंगीसाइड्स के जैसे यूज आप कर सकते हैं, ठीक है, सल्फर को भी और कॉपर सॉल्ट को दोनों को भी, ठीक है। अब रोडेंटीसाइड्स, रोडेंटीसाइड्स क्या होता है बताने की जरूरत तो नहीं होगी, रोडेंट को किल करने में हेल्प करेगा रोडेंटीसाइड्स, इसका एग्जांपल क्या है, जिंक फोस्फाइड और वारफेरिन, ठीक है। आप लोग इसका स्ट्रक्चर मत सोचना कि कैसा होगा, क्या दिखता होगा, कैसा दिखता होगा, सिर्फ नाम याद कर लो, सीनियर क्लास में आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर तक पढ़ लेना है। अब
आप लोग बहुत खुश रहे होंगे कि यार हमने पेस्टिसाइड यूज़ कर लिया, इंसेक्टिसाइड यूज़ कर लिया, फंगीसाइड यूज़ कर लिया, वीडीसाइड यूज़ कर लिया, तो हमारा क्रॉप बहुत अच्छा प्रोडक्शन देगा। ये भी गलत सोचना है। अगर आपने एक लिमिट में पेस्टिसाइड, वीडीसाइड या फंगीसाइड जो भी यूज़ नहीं किया, तो वो भी आपके क्रॉप को अफेक्ट करेगा। क्या अफेक्ट करेगा? अगर आपने ज़्यादा यूज़ कर लिया तो हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो इतना बड़ा प्रोडक्शन हो रहा है क्रॉप्स का, वो सारा पॉइजनस हो जाए। क्योंकि एक तरह से पेस्टिसाइड है क्या? पॉइजन है, पॉइजन। और जहर किसी के लिए भी जहर होता है। आप अभी भी हम जो क्रॉप यूज़ करते हैं उसमें भी पेस्टिसाइड का मात्रा होता है, लेकिन वो इतने ट्रेसेस में होता है कि हमारे बॉडी को अफेक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर दिया जाए पेस्टिसाइड को, तो हमारे बॉडी को भी अफेक्ट करने लगेगा। ठीक है। अब हार्वेस्टिंग क्या होता है? हार्वेस्टिंग का मैंने आपको बताया था, कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, सबका एक लाइन याद कर लो। व्हाट इज हार्वेस्टिंग? व्हाट इज सोइंग ऑफ सीड? हार्वेस्टिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड आफ्टर द क्रॉप्स हैव मैच्योर्ड एंड इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इसका मतलब क्या है? जब क्रॉप्स हमारे बड़े हो जाएं तो उन्हें काट कर एक जगह रखना, सिर्फ काटना ही हार्वेस्टिंग नहीं है, काट कर एक जगह गैदर करके रखने को भी हार्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है। अब हार्वेस्टिंग भी पूछो कि भैया कैसे करते हैं, तो हार्वेस्टिंग भी दो तरीके से करते हैं। मैन पावर, हार, पूरा एग्रीकल्चर में टाइप्स बढ़ चुका है, मैन पावर और हॉर्स पावर। हॉर्स पावर या आप मशीन पावर कहो, बात एक ही है। अब मैन पावर क्या है? मैन पावर ये सिकल है, सिकल हम यूज़ करते हैं मैन पावर से, मतलब ये हाथों से चलता है हमारे, इसमें कोई मशीन का यूज़ नहीं है। और एक होता है मशीन पावर, मशीन पावर से बताओ क्या होता है? हार्वेस्टर। ठीक है, हार्वेस्टर जो हमारा फील्ड को हार्वेस्ट करता है। ठीक है, चलिए। वंस द क्रॉप इज हार्वेस्टेड द ग्रेन्स आर नीडेड टू बी सेपरेटेड बाय द क्रॉप, इट इज डन बाय थ्रेशिंग और विनोइंग। पॉइंट याद कर लो भाई कि थ्रेशिंग क्या होता है, विनोइंग क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन थ्रेशिंग एंड व्हाट इज विनोइंग। अब इसमें दोनों पहले कहा क्यों, ये लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब ये हुआ कि सिर्फ क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेना ही नहीं हुआ कि आपको आपका ग्रेन मिल गया। जैसे आपने गेहूं की पूरा फसल लगाई है, तो सिर्फ गेहूं के छोटे छोटे दाने आपको नहीं होंगे, पूरा प्लांट के एक पूरा क्रॉप उगेगा, उसमें सिर्फ वीट नहीं उगेगा। तो वीट को निकालने के प्रोसेस को ही उस बड़े से प्लांट में से, उस ग्रेन को, वीट के ग्रेन को निकालने को ही क्या कहते हैं? थ्रेशिंग और विनोइंग। दो प्रोसेस है, थ्रेशिंग क्या होता है, विनोइंग क्या होता है, सब डिटेल में बताता हूँ, टेंशन नहीं लो। थ्रेशिंग क्या होता है? चलिए एक बात पूछता हूँ, थ्रेशिंग के लिए भी आपको एक मशीन यूज होगा, उसका नाम आप बताइएगा क्या होता है। ठीक है, बस एक क्लू देता हूँ। हार्वेस्टिंग करने के लिए आपने एक मशीन यूज़ किया था, क्या नाम था उसका, जल्दी बताओ क्या नाम था? 1 2 3 क्या नाम था? हार्वेस्टर। उसका नाम था हार्वेस्टर। वैसे ही अगर मैं पूछूं थ्रेशिंग करने के लिए क्या नाम होगा, बताओ। थ्रेशिंग करने के लिए सोचो सोचो, 3 सेकंड देता हूँ। 1 2 3 थ्रेशर। उसका नाम होगा थ्रेशर। ठीक है, थ्रेशिंग करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? थ्रेशर। अब थ्रेशर काम क्या होता है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्वेस्टिंग का क्या काम था, हार्वेस्टर का क्या काम था, थ्रेशिंग का, थ्रेशर क्या काम होता है? पहले थ्रेशिंग होता क्या, ये पढ़ लो। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ग्रेन्स बता दिया था, लेकिन कैसे कैसे रिमूव करेंगे? बाय बीटिंग। देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में, थ्रेशिंग में और विनोइंग में, दोनों में हम ग्रेन्स को ही रिमूव करते हैं, पर अंतर क्या है कि एक में पीट कर निकालते हैं। ठीक है, इसमें क्या पढ़े, पीट कर निकालते हैं। इसके लिए मशीन कौन सा यूज़ होता है? थ्रेशर यूज़ होता है। ठीक है, एक बहुत ज़रूरी है पॉइंट, याद कर लेना इसको, ये वाला मैं एरो से डिनोट कर दे रहा हूँ, ये वाला लाइन देखो, कंबाइन जो दिया हुआ है। कंबाइन क्या होता है? एक मशीन होता है जो आपका थ्रेशिंग और विनोइंग, मतलब हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों एक साथ कर देता है, मतलब आपको अलग से थ्रेशर और अलग से हार्वेस्टर चाहिए ही नहीं, दोनों एक साथ कर देता है। उस मशीन को क्या कहते हैं? कंबाइन कहते हैं, उसका नाम ही है कंबाइन। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, याद कर लेना। विनोइंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ इज नोन एज विनोइंग। कैसे विनोइंग होता है, ये भी पढ़ लो। फार्मर होल्ड द मिक्सचर ऑफ ग्रेन्स एंड चाफ एट अ हाइट एंड अलाउ देम टू फॉल इन अ जेंटल स्ट्रीम। द विंड ब्लोज अवे द चाफ विच इज लाइटर एंड द हैवियर ग्रेन्स फॉल डायरेक्टली टू द ग्राउंड। इसका मतलब क्या है कि एक फार्मर होते हैं, मतलब जो फार्मर है वो एक एक बड़े से डब्बे में, कठरे में आपका पूरा जो भी ग्रेन्स मिक्सचर, जो भी मिक्सचर टोटल उठा लेगा और एक हाइट से उसको गिरा जाता है। तो क्या होगा, जो ग्रेन्स होता है उनका कुछ तो वेट होगा, भारी होता है, थोड़ा सा तो वेट होगा, तो वेट के कारण नीचे गिर जाता है। और जो चाफ होता है, जो हम लोग हिंदी में उसको भूसा कहते हैं, वो क्या होता है, वो दूर चला जाता है, हवा से उड़ जाता है। ठीक है, अरे एक रूई से भी हल्का होता है तो क्या नीचे थोड़ी गिरेगा। अब सबसे लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, स्टोरेज ऑफ ग्रेन। सब कुछ काम कर लिया, सब कुछ सही से किया, और ठीक से उसको स्टोरेज ही नहीं किया, बारिश में छोड़ दिया, धूप में छोड़ दिया, पूरा सूख गया, तो या बाहर छोड़ दिया, सब पंछी खा गए, तो सब खत्म। इसलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, ढंग से अपना जो भी क्रॉप्स है उसको स्टोर करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स में क्या होता है, अवे फ्रॉम द मॉइस्चर रखेंगे, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड बेड, सेफ फ्रॉम रेन, तीनों से सेफ रखेंगे। सेफ कैसे रखेंगे, सेफ रखेंगे तो कैसे, हवा में थोड़ी छोड़ देंगे या घर में थोड़ी बंद कर देंगे, हम क्या करेंगे उनको एक प्रॉपर बैग में रखेंगे, ठीक है, जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करे, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आया है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो मैंने थोड़ा सा पहले ही बताया था, नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। क्या करना है नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये भी बताता हूँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन है क्या ये भी बताता हूँ, सारा चीज़ बता दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। अगर मेरा पूरा पढ़ाई समझ में आ रहा हो, मेरा कह आज बहुत मेहनत की है यारो, बहुत मेहनत किया है, ठीक है। चलो अगर ये मेरा पढ़ाई समझ में आ रहा हो तो कृपया लाइक बटन, लाइक बटन तो आप लोग प्रेस कर ही डालो, लाइक बटन प्रेस करने में तो आपका कुछ जाएगा नहीं, आखिर एक लाइक बटन ही तो है, लेकिन हमें बहुत इंस्पिरेशन आता है लाइक बटन से, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक बटन सब्सक्राइब बटन प्लीज़ प्रेस कर ही दें। चलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन पे आते हैं। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन प्लांट्स न्यूट्रिशन इवन तो इट इज अबंडेंट, ठीक है। चलो क्या है ये, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन प्लांट न्यूट्रिशन इवन दो इट इज़ फाउंड इन अबंडेंस इन द एटमोसफेयर प्लांट कैन नॉट यूज इट इन दिस फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाला पॉइंट को आप लोग नोट कर लो जहाँ मैं दे रहा हूँ, प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन दिस फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ, भले आपका नाइट्रोजन बहुत अमाउंट में पाया जाता है हमारे एटमोसफेयर, आपको पता ही होगा ऑक्सीजन से भी ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, लेकिन फिर भी हमारा प्लांट्स उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकता है। ये भी पहले मैंने बताया था कि नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को इंक्रीज़ करने में, लेकिन देख लो नाइट्रोजन का क्या हाल है कि अब प्लांट्स को डायरेक्ट नहीं ले सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स लगाते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स का क्या रोल होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में एक स्पेशल फीचर होता है कि वो नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज कर देते हैं। नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करके क्या होगा, प्लांट्स जो होते हैं वो अमोनिया टेक कर सकते हैं, अमोनिया डायरेक्टली ले सकते हैं, पर नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं। अमोनिया क्या है, अमोनिया नाइट्रोजन का ही एक कंपाउंड है जिसका केमिकल फार्मूला NH3 होता है, ये आपको सीनियर क्लासेस में पढ़ना है, ठीक है। अमोनिया से क्या होगा, जब अमोनिया प्लांट्स ले लेंगे तो उससे उनका फर्टिलिटी बढ़ जाता है, इससे क्या, और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं कि एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना अमोनिया में और उसके बाद उसको सॉइल टेक ओवर करना, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं द प्रोसेस ऑफ, बताइए द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया टू, इस कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसी प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद फूड फ्रॉम एनिमल्स। चलिए प्लांट से तो जितना कुछ मिलता था पूरी पढ़ाई कर ली, प्लांट से क्या क्या मिलता है, कैसे मिलता है, कितने प्रैक्टिसेस करने पड़ते हैं, सब पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे कि एनिमल्स क्या क्या मिलता है, एनिमल्स से हमें क्या क्या मिलता है, देख लीजिए भाई जल्दी जल्दी फटाफट, एनिमल्स से क्या क्या मिलता है, एनिमल्स आर द ऑल्सो द सोर्स फॉर फूड सच एज मीट, एग, मिल्क, क्लोदिंग, वुल, लेदर, ठीक है। तो मेनली हमें क्या मिलता है, फूड मिलता है और क्लोदिंग मिलता है। तो फूड में क्या मिला, मीट मिला, मिल्क मिला, एग मिला, क्लोदिंग क्या मिला, वुल मिला, लेदर मिला, ठीक है। ऑल डोमेस्टिकेटेड एंड यूजफुल एनिमल्स कंस्टिट्यूट लाइफ स्टॉक, द रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक फॉर फूड एंड अदर यूजफुल पर्पजेज इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। इसका मतलब क्या है, सारे पालतू जानवरों से हमारा कुछ ना कुछ मिलता है और उन्हीं को पालना, अपने पास रखना, कुछ अपने पर्पजेज के लिए, उसे क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हमें क्या क्या किससे किससे मिलता है। तो मिल्क यील्डिंग एनिमल्स, सबसे पहला क्या है, मिल्क यील्डिंग एनिमल्स, हम लोग इसको पॉइंट में बांट देते हैं। सबसे पहला हम लोग आए मिल्क यील्डिंग एनिमल्स, मिल्क यील्डिंग एनिमल्स से हमें क्या क्या मिलता है, मिल्क यील्डिंग एनिमल्स जैसे हमारे हो गए डेयरी एनिमल्स से, और मिल्च एनिमल्स क्यों कहते हैं, इससे मिल्क मिलता है, क्या होता है, ये काउ है, बफेलो है, गोट है। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा मीट, मीट किससे मिलता है, फिश से मिलता है, पोल्ट्री से मिलता है, डक से मिलता है, ठीक। चलिए और बताइए उसके बाद क्या है, उसके बाद हनी यील्डिंग एनिमल, हनी यील्डिंग एनिमल से आपका क्या मतलब होता है, बताइए हनी यील्डिंग एनिमल क्या होता होगा, जिससे हमें हनी मिलता है, ठीक है। जैसे क्या हो गया, बीज हो गया, सिल्क यील्डिंग क्या हो गया, सिल्क वॉर्म हो गया, वुल यील्डिंग क्या हो गया, शिप हो गया, स्किन यील्डिंग क्या हो गया, लेदर जिससे स्किन मिलता है, जैसे काउ, बफेलो, कैमल, इनका स्किन बहुत यूज़ होता है लेदर प्रोडक्ट्स बनाने में। ड्रॉट एनिमल्स क्या होता है, ड्रॉट एनिमल्स होता है जो हमारे ड्रॉट में हेल्प करते हैं, जैसे जो हमारे सामान उठाने में हेल्प करते हैं, हमें कैरी करते हैं, क्या क्या हो गया, जैसे डोंकी हो गया, म्यूल हो गया, हॉर्स हो गया, बुलॉक हो गया, ये सब क्या करते हैं, हमारे आप पर्सनल कामों के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन क्या करने में हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करने में, और अदर सच एज प्लेइंग में भी हमारे हेल्प करते हैं, जैसे ऑक्स हमारे प्लेइंग में हेल्प करते हैं, थ्रेशिंग में भी हेल्प करते हैं,
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स इवेलुएट आ गया गिफ्ट एग्जाम्पल टू द डेरी एग्जाम। मैं इसका एक आंसर दे देता हूँ, पर दो दो सेकंड आप लोगों को टाइम दूंगा। जल्दी जल्दी आप लोग अपने मन में बोलो फटाफट, डेरी एनिमल्स एग्जाम्पल दो। 1 2 3 क्या होगा? काउ और फेलो। मीट गिविंग एनिमल्स एग्जाम्पल दो, जिसे में मीट मिलता है। किसे मिलता है बताओ? फिश से मिलता है, काउस कॉक से मिलता है, जो हेन होता है उससे मिलता है। चलो पोल्ट्री एनिमल्स एग्जाम्पल दो। पोल्ट्री जिन्हें हम लोग क्या करते हैं? एक के लिए यूज़ करते हैं, बताओ पोल्ट्री के लिए किसको यूज़ करते हैं? ड्रॉट के लिए किसको यूज़ करते हैं? लेदर के लिए किसको यूज़ करते हैं? लेदर बताओ, ये दोनों आप खुद से सोचो। पोल्ट्री और ड्रॉट, लेदर किससे मिलता है हम लोग? लेदर काउ से मिलता है, कैमल से मिलता है, गोट से मिलता है। चलो ठीक है, अब फट और ये सब तो मैंने करवा दिया। कीवर्ड्स देख लो, ये देखो कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखना कीवर्ड क्या होता है, एग्रीकल्चर क्या हुआ, हम क्या क्या पढ़े इसमें, एग्रीकल्चर पढ़े, फिर क्या बोले फर्टिलाइजर पढ़े, तो ये सब थोड़ा देख लेना चाहिए। और हर चैप्टर के लास्ट का जो एक चीज़ होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, समिंग अप। समिंग अप में हम लोग को सब कुछ पढ़ लेना होता है, ठीक है। जैसे फूड इज़ अ बेसिक नीड ऑफ ऑल थिंग, फूड हमें हमेशा के लिए चाहिए, क्योंकि फूड हमारे बेसिक नीड है, वो तो चाहिए ही चाहिए, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या होगा? पहला पॉइंट याद देते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? द प्लांट्स आर ग्रोन ऑन लार्ज स्केल एंड गेट यूज प्रोडक्ट नोन एज क्रॉप्स। क्रॉप्स क्या होता है? ऐसे प्लांट जो बहुत लार्ज स्केल में हमारे बनते हैं, या हम प्रोड्यूस करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं एक लार्ज स्केल पे, उसे क्या कहते हैं? क्रॉप्स कहते हैं। अब जो जून में जो क्रॉप्स आता है, मैं ऑनलाइन करके दिखा देता हूँ, ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा। जो प्लांट्स हमारा जून में यूज़ होता है, जून में देखो, जो जून में प्लांट करते हैं अक्टूबर में हार्वेस्ट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप कहते हैं। जो नवंबर में प्लांट करते हैं और अप्रैल में हार्वेस्ट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? रबी क्रॉप कहते हैं। सोइंग करने से पहले क्या करना पड़ता है? उसका प्रिपेयर करना पड़ता है सॉइल को। उससे क्या होगा? प्लांट जो होंगे हमारे मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर पाएंगे और न्यूट्रिएंट भी पहुंच जाएगा सॉइल पे। प्लस एंड इज लेवल्ड अप, हम जो लेवल हमारा जो लैंड होता है उसको लेवल कहते हैं। लेवल क्यों करते हैं बताए थे? कहे कि हमारा जो वाटर लॉगिंग ना हो वहाँ पे, वाटर लॉगिंग का खतरा खत्म हो जाता है, जिससे यूनिफॉर्मली पूरे लैंड में वाटर पहुँचता है। सोइंग क्या था? सोइंग क्या था बताओ? वो प्रोसेस था जिस प्रोसेस से हम लोग सीड को डालते हैं सॉइल में। और सोइंग करने से पहले क्या करना होता है? सिलेक्शन। सिलेक्शन किसका करते हैं? गुड एंड हेल्दी एंड हाई क्वालिटी हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का। फर्टिलाइजर क्या होता है? फर्टिलाइजर होता है मैन मेड केमिकल कंपाउंड्स, जिस और किस किस एलिमेंट से रिच्ड होता है वो। NPK शॉर्ट में आपको बताया था। NPK क्या था? नाइट्रोजन, P मतलब फॉस्फोरस, K मतलब पोटाशियम। अब सीड्स फ्रॉम वाटर आर टू, अब ये इरीगेशन के बारे में कुछ बताया था मैंने। इरीगेशन क्या था? इरीगेशन था अपने लैंड में पानी डालना। अब पानी क्यों डालते हैं हम लोग? क्योंकि सीड को जर्मिनेट करने के लिए वाटर नेसेसरी है। तो सीड्स नीड वाटर टू जर्मिनेट, प्लांट्स नीड वाटर टू ड्रॉ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड देयर ग्रोथ फॉर मेकिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस। विनोइंग क्या है? विनोइंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ चाफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विनोइंग थ्रेशिंग तो आप अच्छे से पढ़ डालो, इसका डेफिनेशन आएगा ही आएगा कि डिफरेंस क्या होता है। तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द चाफ इज नोन एज विनोइंग, ठीक है। और क्या, और विनोइंग का प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे होता है विनोइंग? तो क्या होता है, फार्मर एक हाइट पे खड़े हो जाते हैं, एक कटरे में पूरा ग्रेन्स पूरे मिक्सचर को ले लेते हैं और एक हाइट से गिराते हैं। इससे क्या होता है, लाइटर मटेरियल उड़ जाता है और जो ग्रेन्स है वो नीचे हम लोगों को ग्राउंड पे मिल जाता है, ठीक है। अब मैंने बताया था हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों कभी कभी हम लोग एक साथ करते हैं। बताओ उस प्रोडक्ट का नाम, उस मशीन का नाम क्या था? 1 2 3 कंबाइन। उसका नाम क्या था? कंबाइन। अब नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। मैंने बताया था कि प्लांट्स के न्यूट्रिशन के लिए नाइट्रोजन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है। क्यों? क्योंकि उसका फर्टिलिटी उससे रैपिडली इंक्रीज हो जाता है। लेकिन प्लांट्स भी में ऐसा एक फीचर ही नहीं है कि वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को एटमोसफेयर से ले ले, क्योंकि आप तो देखे ही हैं एटमोसफेयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अदर गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन उसमें भी मेनली मैक्सिमम क्या है? नाइट्रोजन है। लेकिन फिर भी प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोसेस अपनाते हैं जिसका नाम था नाइट्रोजन फिक्सेशन। याद करिए नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या था, बताइए नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या था? NF में अगर मैं शॉर्ट में लिखूं नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या था, याद कर लो जब तक मैं लिख रहा हूं, NF नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या था? नाइट्रोजन फिक्सेशन था कि हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते थे अमोनिया में और अमोनिया डायरेक्ट प्लांट इंडेक कर सकता था, ले सकता था। अब कैसे करते थे, उसके लिए हम लोग एक प्लांट यूज़ करते थे, उसका शॉर्ट में हम बताते हैं LP। LP क्या था बताओ? 1 2 3 LP क्या था? 3 सेकंड दे रहा हूँ। 1 2 3 LP क्या था? लेग्यूमिनस प्लांट्स लगाते हैं, जिससे हमारा नाइट्रोजन, उसमें एक फीचर होता है कि नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज कर देता है। जब हमारा नाइट्रोजन अमोनिया में चेंज हो जाएगा तो अमोनिया डायरेक्टली प्लांट्स यूज़ कर लेता है, जिससे उसका फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही।
मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दें और सब्सक्राइब का बटन तो हिट कर ही दें। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है और मेरा यह प्रॉमिस है कि मेरा हर वीडियो, हर नेक्स्ट वीडियो मेरे नेक्स्ट टू लेवल रहेगा। हर वीडियो में आपको कुछ नया मिलेगा। थैंक यू।